अस्सलाम वालेकुम, हेलो, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल शबनम के सपनों की दुनिया। फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग सब? उम्मीद है खैरियत से होंगे। आज हम बनाएंगे झींगा फली, तो चलो लेट्स स्टार्ट। तो यहाँ पे हमने झींगे लिए हैं और उसको हमने साफ़ कर लिए हैं, लेकिन उसकी जो ऊपर की स्किन हमने नहीं निकाले हैं। तो चलो हम मसाला बनाने के लिए देखिए हमने क्या क्या लिए हैं। हमने खोबरा लिए हैं, गिल्ला खोबरा है, लहसुन और हरी मिर्च, ज़ीरा और टमाटो को उसको हम अभी मिक्सी में हम पीस लेंगे। देखिए हमने यहाँ पे पीस लिए हैं। आपको एकदम स्मूथ पेस्ट रेडी करना है, बारीक करना है आपको एकदम। अब हम इसमें टमाटो को डाल देंगे और उसको भी पीस लेंगे। देखिए हमारा पेस्ट रेडी हो चुका है, मसाला हमारा रेडी हो चुका है। तो चलो अभी इंग्रेडिएंट्स देखते हैं। हमें झींगा फली का सालन बनाने के लिए देखिए क्या क्या लगने वाली चीज़ें आप देख सकते हैं। हमने यहाँ पे झींगे को साफ करके लिए हैं। और फली लिए हैं, ये एक फली है, उसको हमने छील के कट कर लिए हैं। और हमने यहाँ पे दो आलू लिए हैं, उसको भी कट कर लिए हैं। और दो प्याज लिए हमने। और कड़ी पत्ता लिए हैं। नमक लिए हैं। नमक तो आप अपने हिसाब से डाल सकते हैं। और हमने यहाँ पे लाल मिर्च पाउडर लिए हैं और कोथमीर लिए हैं, और जो हमने पीस के रखे थे मसाला वो लिए हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं। हमने यहाँ पे एक पैन रखे हैं और उसमें हमने ऑयल डाल दिए हैं। हमने यहाँ पे 2 चम्मच ऑयल को डाले हैं। तेल गर्म होने के बाद उसमें हम कटी हुई प्याज को डाल देंगे और उसको अच्छे से हिला लेंगे। हमको हल्की ब्राउन होने तक प्याज को तेल में भूनना है। देखिए प्याज का कलर भी चेंज हो रहा है। अब हम इसमें कड़ी पत्ता को डालेंगे और उसको अच्छे से हिला लेंगे। फिर हमने जो मसाला रेडी किए थे उसको हम डाल देंगे और उसको भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे। आपको याद रखना है ये मसाला हम डालने के बाद उसको अच्छे से धीमी फ्लेम पे उसको भून लेना है। ताकि खोबरे का जो कच्चापन है वो चले जाए।
और उसमें हमने लाल मिर्च पाउडर डाले हैं, हल्दी पाउडर, नमक डाले हैं, उसको भी हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। देखिए माशाल्लाह मसाला हमारा कितना खूबसूरत लग रहा है। उसको अच्छे से हमको भून लेना है। अच्छे से भून लेने के बाद हम उसमें झींगे को ऐड कर लेंगे और उसको भी अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे। अब इसमें हम आलू को डाल देंगे, इसको भी हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब इसमें हम फल्ली को डाल देंगे। अभी हम उसको ढक्कन बंद करके उसको स्लो फ्लेम पे हम 5 से 7 मिनट तक उसको पकाएंगे। देखिए 5 से 7 मिनट के बाद माशाल्लाह हमारा मसाला भून चुका है। अच्छे से मसाला हमारा भून चुका है। फिर अब इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब हम इसमें पानी ऐड करेंगे। आप अपने हिसाब से पानी इसमें ऐड कर सकते हैं। आपको कितना ग्रेवी, आपको कितनी गाढ़ी चाहिए, कितनी पतली चाहिए, आपके हिसाब से आप ऐड कर सकते हो। हमने यहाँ पे 1 गिलास पानी को ऐड किए हैं। अब उसको हम अच्छे से उसको पका लेना है। मीडियम फ्लेम पे हम उसको पकाएंगे। देखिए पानी भी उबल रहा है, मतलब हमारा मसाला ग्रेवी यहाँ पे रेडी हो रही है। हम इसमें अब कोथमीर को डालेंगे और उसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। आप जितना ग्रेवी को पकाएंगे उतने ही आपकी जो सालन है वो एकदम टेस्टी होने वाला है। तो मेक श्योर आप ज़्यादा से ज़्यादा उसको स्लो फ्लेम पे पकाएं। देखिए माशाल्लाह हमारी यहाँ पे झींगा फल्ली का सालन रेडी हो चुका है। अभी हम उसको डिश आउट कर लेंगे। देखिए माशाल्लाह हमारा सालन कितना खूबसूरत लग रहा है और खाने में भी उतना टेस्टी है। आई होप सो आपको ये रेसिपी ज़रूर पसंद आई होगी। प्लीज़ आप मुझे कमेंट करके बताना आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी। अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और साथ ही बेल आइकन को प्रेस करना ताकि अगली वीडियो आपको जल्द मिल जाए। और मेरी रेसिपी को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, लाइक करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। स्टे कनेक्ट। अल्लाह हाफिज़।